चुनाव लड़ रहे थे, ये कह रहे थे कि एक मुट्ठी चावल हमको दे दो। हमने उनको कहा कि एक मुट्ठी चावल के साथ में आपकी वोट भी मांग रहे हैं। ये दिल्ली के लोग आए चमचमाती कोठियों में रहते हैं, आप इनसे कहो कि एमएसपी भी इसकी दे दो साथ साथ। ये गायब हो गए वहां से सारे, और जब भी वहां पे खेला हुआ, ये कहते हैं जी ममता बनर्जी से मिले, ममता बनर्जी से नहीं मिले हम मिले वहां की बंगाल की मुख्यमंत्री से। जैसे केंद्र सरकार में इनके मंत्री से मिलते हैं, तो हमको बीजेपी के लीडर से मिलते हैं क्या? जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ये बीजेपी के आदमी हैं, ये भारत सरकार के मंत्री हैं। आप इनसे कहो ना किसी से कि हम बीजेपी के मंत्री हैं, ये यही कहेंगे ना, ये भारत सरकार के मंत्री हैं, हम इनसे इसलिए मिलते हैं। ये आंदोलन 8 महीने हो गए, जिस तरह से हमारी माताएं बहनें हमारे बुजुर्गवार हमारे नौजवान बच्चे इस तपती हुई धूप में तपते हैं, बरसात में यहाँ पर क्या उनका हालात होता है, कड़कती हुई सर्दी में यहाँ पर रहे, जिस तरह से जानवर जो बंधा हुआ है हमारा, जो ये निहंग हमारे संत हैं, जिस तरह से अपने जानवर अपने घोड़े को यहाँ पर बांध के तपती हुई टींट के नीचे ये यहाँ पर रहते हैं, फिर इनको कहते हैं जिनको गुस्सा आता है, इनका जब जानवर तपता है तो गुस्सा आता है, इनका गुस्सा जायज है, ये गुस्सा उतरेगा आपके ऊपर, जब भी आप मिलोगे आपके ऊपर गुस्सा उतरेगा इनका, इस किसान का गुस्सा उतरेगा, वोट के माध्यम से उतरेगा, आंदोलन के माध्यम से उतरेगा। हम संघर्ष नहीं करना चाहते, हम आंदोलनकारी हैं, हम आंदोलन करेंगे। जो किसान 8 महीने तक आंदोलन पर दिल्ली की जमीन पर बैठ सकता है, आप उसको चाहते हैं कि ये उठकर चला जाएगा? ये गलत फहमी है आपकी, ये किसान ना उठकर जाएगा जब तक इसके कानून वापसी नहीं हो गए, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनेगा, वहां पर कमेटी नहीं बनेगा, ये किसान यहाँ से जाने वाला है नहीं। और 25 लाख आदमी भी हमारे हैं, ये 26 तारीख की जांच, कोई देश में एजेंसी है कि 26 तारीख के कांड की जांच करवा दी जाए? ये फंसेंगे, ये जेल जाएंगे। हमने कहा कि देश में कोई एजेंसी नहीं है कि उसकी जांच करते, इनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है, इन्होंने पूरे संसाधनों पे कब्जा किया है। अगर देश में बीजेपी की सरकार होती, अगर देश में कांग्रेस की होती, अगर देश में किसी पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर बात करती। इस देश में सरकार है मोदी सरकार, मोदी को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां, ये बीजेपी वाले कहां का फर्द में है? इनकी पार्टी गई, जिन लोगों ने इस पार्टी को बनाया था वे तो अपने हाउस में कैद हैं, उनकी बोलने की हिम्मत नहीं, वे मकान के दिल्ली की चमचमाती कोठियों में वे बंद कर रखे हैं अपने नेता। ये बीजेपी के जो बोलते हैं ना, यान के कहते हैं कि हमारी बात अपने नेताओं को छुटाओ और उसके बाद में बात करो, तुम्हारे नेता दिल्ली की काल कोठियों में कैद है, आप उनको छुटाने का काम करो। अडानी जी ने जिसने पार्टी बनाई उसको राष्ट्रपति बनना था, कहने लगा अच्छा ये बुड्ढा राष्ट्रपति बनेगा, एक मुकदमा लगा दिया, घर में कैद कर दिया, बोलने की हिम्मत नहीं है। जो अपने नेताओं को कैद कर सकता है वो किसानों को भी कैद करेगा। ये पद देख कर रहना, इनसे इनसे बच कर रहना। जो निखर वाले थे ना, इनको पेंट मिली है, अब इनका प्रमोशन हुआ है, तलाश मंदी करना है तो विचारधारा इनकी गांवों में चली गई। ये बहुत खतरनाक लोग हैं, उन्होंने एक बोर्ड बनाया है अभी नारियल बोर्ड, उसमें कहा कि प्राइवेट आदमी आएगा ना, प्राइवेट आदमी नहीं आएगा, संघ का आदमी आएगा, जिसने उसका 40 दिन का कोर्स कर रखा होगा, जिसने 8 दिन का कोर्स कर रखा होगा, वे लोग वहां आएंगे। अभी 400 IAS की भर्ती होनी है बगैर एग्जाम के, मेरा देश का नौजवान कहां जाएगा? ये नौजवान कहां जाएगा? नई भर्ती होगी जिसकी उम्र 40 साल से 60 साल तक 70 साल तक होगी, नई परमिशन कर रहे हैं, उनको IAS बनाया जा रहा है, सीनियर IAS अधिकारी बनेंगे। आप पटाएंगे वक्त का चिंता ना करें, तो यह होगा देश में।
इन लुटेरों को भगाना पड़ेगा, ये देश का आखिरी लुटेरों का हादसा साबित हुआ, ये जाएगा, इसको पकड़ना पड़ेगा, इसकी पूंछड़ पाड़ के जब उसको गुमराह पड़ेगा, ऐसे भी मेरा लड़ा जो जब बंजर जमीन में वो चलेगा
वो दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर नहीं चलेगा, वो चलेगा दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर। चलाकर दिखाया तुम्हारी हिम्मत थी, रोक नहीं पाए तुम, तुमने धोखा करा, रोक नहीं पाए। 25 लाख आदमी था, 4 लाख ट्रैक्टर था, जब जरूरत होगी संयुक्त मोर्चा तय करेगा, ये दिल्ली में फिर आएगा, ये फिर आएगा दिल्ली में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी माताएं बहनों का धन्यवाद, जो माताएं बहनें यहाँ पे 40 और 45 डिग्री टेम्परेचर में है, सर्दी में यहाँ पे है, बरसात अब आएगी उसमें यहाँ पे है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि तुम्हारा इलाज तो यही तो करेंगे, जितना तरसाओगे उतना ही इलाज करेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।